नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल। हम लोग क्लास 9 साइंस का इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे बी कीपिंग के बारे में, मधुमक्खी पालन के बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे इस वाले पार्ट में। साथ साथ इंडियन वैरायटी के कौन कौन से बीज होते हैं उसके बारे में जानेंगे, इटालियन वैरायटी के कौन कौन से होते हैं वो जानेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम एसोसिएटेड हो जाते हैं बी कीपिंग को लेकर और क्यों बी कीपिंग काफी फायदेमंद भी होता है, तो ये सारे चीज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बी कीपिंग होता क्या है? बी कीपिंग होता है कि मधुमक्खी पालन करना। मधुमक्खी को पालन करना तो एक बात हो गई, दूसरी बात कि मधुमक्खी खुद से अपना छत्ता पेड़ पे लगाती है। तो मधुमक्खी अगर खुद से पेड़ पे अपना छत्ता लगाती है और वहां से हम लोग अगर मध निकाल के लाते हैं तो वो वाला प्रोसेस पूरा बी कीपिंग में नहीं होता है। बी कीपिंग का मतलब हो जाए आर्टिफिशियली एक बक्सा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस फोटो में आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से बक्सा बनाया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर पूरा फ्रेम होता है जिसमें बी अपने घोंसलों को लगा, अपने जो छत्ते होते हैं उसको लगाती है, ठीक है। यहाँ पे आप इसका डिटेल में देख सकते हैं, इस तरह का डब्बे टाइप का होता है जो वुडन बॉक्सेस होते हैं, उसके अंदर में प्लेट्स होते हैं, एक इस तरह का एक फ्रेम होता है जिसमें अपना जो बीज होते हैं, जो मधुमक्खियां होती है वो इसमें अपना छत्ता लगाती है, फिर यहाँ पे हनी प्रोडक्शन करती है। जैसे जैसे हनी प्रोडक्शन यहाँ पे पूरा हो जाता है तो फिर इसे निकाला जाता है, जो हनी निकलता है उसको फिर हम लोग एक बोतल में पैक करके फिर इसको मार्केट में बेचा जाता है। साथ साथ इसके जो बी हाइव्स हो जाते हैं, मतलब इसके जो छत्ते होते हैं, उससे हम लोग वैक्स प्रोडक्शन भी लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो प्रोसेस किया जाता है आर्टिफिशियली, इसको हम लोग कहते हैं बी कीपिंग, ठीक है। अब बी कीपिंग की जरूरत क्यों पड़ी? बी कीपिंग की जरूरत पड़ी कि डिमांड ऑफ हनी काफी ज्यादा है मार्केट में, मार्केट में काफी ज्यादा हमें हनी का डिमांड है, जिसके कारण बी कीपिंग को आर्टिफिशियली करना पड़ा। तो बी का जो कीपिंग होता है ये काफी लो इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट काफी कम हो जाता है, फार्मर इसको यूज कर सकते हैं एज ए एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम के लिए, तो बी कीपिंग इसलिए कहता है। साथ साथ जो बी हाइव्स होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि उससे वैक्स प्रोडक्शन भी हम लोग ले सकते हैं, जिसका मेडिकल यूज भी काफी अच्छा होता है, कॉस्मेटिक और मेडिकल यूज का यूज किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इंडियन वैरायटी ऑफ बीज की। तो इंडिया में मेनली जो कमर्शियल वैरायटी जो होते हैं बीज की, जो बीज का जो वैरायटी होता है, मधुमक्खी की जो वैरायटी होता है वो हम लोग जानेंगे। तो इसमें हो जाता है एपिस सेरेना इंडिकस, ये कॉमन है इंडियन बीज, इंडियन बीज जो होता है, इंडियन देसी जो बी की वैरायटी होती है उसको कहते हैं एपिस सेरेना इंडिका, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है। दूसरा एक होता है रॉक बी, ठीक है, नाम है अलग है, कॉमन नेम इसको बोला जाता है रॉक बी, और इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है एपिस डोर्साटा, ठीक है, तो ये इसका दूसरा वैरायटी है। और तीसरा हो जाता है एपिस फ्लोरे, जो इसको लिटिल बी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों वैरायटी इंडिया में लोकल वैरायटी के नाम से जाना जाता है, मेनली एपिस सेरेना इंडिका जो इंडियन वैरायटी होता है वो होता है, ओके। यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं, ये इंडियन बी का ही फोटो है, ओके। उसके बाद एक और वैरायटी आती है जिसको हम लोग इटालियन बी के नाम से जानते हैं। इटालियन बी कौन सा हो जाता है? जिसका साइंटिफिक नेम हो जाता है एपिस मेलिफेरा, ठीक है, इसको भी हनी प्रोडक्शन के लिए काफी यूज में लिया जाता है, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा इटालियन बी के बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। तो इटालियन बी की जो कैपेसिटी है हनी कलेक्ट करने की, फूलों से जो नेक्टर लेके आता है उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, ये डंक कम मारता है, ठीक है, जैसे डंक भी तो मारते हैं मधुमक्खियां, तो ये डंक कम मारता है, कम बाइट करता है, ओके। उसके बाद इसकी जो बी हाइव जो होती है वो काफी लॉन्ग समय तक इसमें रहता है, इसमें अच्छे से इसकी ब्रीडिंग काफी फास्ट होती है और अच्छी ब्रीडिंग इसकी होती है, कमर्शियल हनी प्रोडक्शन के लिए जो इसका उपयोग काफी अच्छे से किया जाता है, बी फार्म में इसको काफी अच्छा से उपयोग करता है। और इस पूरे बी कल्चर को एपी कल्चर के नाम से हम लोग जानते हैं, एपी कल्चर का मतलब हो गया कि बी प्रोडक्शन को हम लोग कहेंगे एपी कल्चर, जिसको मधुवाटिका भी हिंदी में कह सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इटालियन वैरायटी है उसको आप लोग ये देख सकते हैं, उसकी फोटो ये है, और ये सब तरह के जो बक्से रखे जाते हैं जिसमें बी का प्रोडक्शन किया जाता है उसको एपेरिस कहा जाता है, ठीक है, एपेरिस कहा जाता है। इस जो डब्बे होते हैं, लकड़ी के फ्रेम होते हैं, इसके अंदर में जो फ्रेम होते हैं उसमें जाके मधुमक्खी अपना छत्ता लगाती है और वहां पे हनी का प्रोडक्शन होता है, उसको एपेरिस कहते हैं। और ये इटालियन वैरायटी का जो मधुमक्खी होता है उसको, इसका फोटो आप देख सकते हैं। और जो पूरा जो कल्चर होता है उसको एपी कल्चर कहते हैं, हनी बी का जो प्रोडक्शन किया जाता है, हनी का प्रोडक्शन किया जाता है उसको एपी कल्चर के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग बात करेंगे क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ हनी का, जो हनी का जो क्वालिटी होता है और उसकी जो क्वांटिटी है, कितना मात्रा में वो बनता है, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ये मेनली डिपेंड करता है कि हनी बी के पास कितनी अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर्स है,
कितने आसपास में कितने ज्यादा फ्लावर है, क्योंकि हनी भी बहुत ज्यादा दूर तो नहीं जाएगा, हाँ कुछ एरिया तक जाएगा और वहां से जितने ज्यादा उसको फ्लावर अवेलेबल होंगे उतना ज्यादा वो अपना रस लेके आए, नेक्टर लेके आएगा और उसके कारण हनी का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ फ्लावर कितने अवेलेबल है बीज के लिए, तो इस पे डिपेंड करेगा। दूसरा हो जाता है कि फ्लावर के काइंड पे भी डिपेंड करेगा, एक नंबर ऑफ फ्लावर पे डिपेंड करेगा प्रोडक्शन, और दूसरा हो गया फ्लावर के काइंड पे भी डिपेंड करेगा। फ्लावर के काइंड पे डिपेंड करने का मतलब हो गया कि किस वैरायटी का फ्लावर मिल रहा है उस पे उसका टेस्ट चेंज कर जाएगा। जैसे कि अगर मैंगो का फ्लावर का निकला हुआ टाइम है, मैंगो का ढेर सारा फार्म है, वहां पे हनी बी का हम लोग एपिकल्चर कर रहे हैं, वहां पे मैंगो का फ्लावर निकला हुआ है, तो हनी भी जाएगा मैंगो का फ्लावर से लाएगा तो थोड़ा सा टेस्ट उसका डिफरेंट हो जाएगा बनस्पत की अगर कोई दूसरे फ्लावर से लेके आता है, तो हल्का सा टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस फ्लावर से लेके आया, कितने नंबर ऑफ फ्लावर से लेके आया, तो इस पे भी हनी का टेस्ट डिपेंड कर जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो ये था पूरे चैप्टर का एंड वाला लास्ट वाला पार्ट का वीडियो, और यहाँ पे ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए।